हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पिक्चराइज हुए तो उनकी खूबसूरती 10 गुना बढ़ गई। जिनको मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत दिलकश, बहुत ही प्यारे दिल की मालिक मैं कहूँगी, और फिल्मों की हैट्रिक करने वाली, हिट फिल्मों की जब वो आईं और वो छा गईं और उनको जो है जब वो इतनी उनकी खूबसूरती थी, इतना उनका अच्छा काम था कि उन्हें टाइटल जो है वो ड्रीम गर्ल का दिया गया। फिर ये लिखती भी थी, फिर उस लिखने की इतनी तारीफ़ हुई कि ये शायरा भी जो है साथ बन गई, होस्टिंग भी इन्होंने 6 ईयर्स जो है की है। आज हमारे साथ हैं, उनको मैं यहाँ पर दावत देना चाहूँगी, नीशो जी। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसी हैं? कितने हसीन, माशाल्लाह। जाने दें, आप देखिए, आप ये मतलब अभी भी स्क्रीन पर आती हैं तो सारी लाइटें इन्हें पे चली जाती हैं, सारी लाइम लाइट इनकी हो जाती है। सुंदर जी, ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है, तो मलका तरन्नुम की को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मलका तरन्नुम हमारे मुल्क का वो एसेट है, वो असासा है। कहते हैं ना कि बेताज बादशाह या बेताज मलका, वो बेताज मलका नहीं, वो बेताज मलका नहीं, सुरों को ताज सजा कर उन्होंने तख्ते मौसीकी पे हमारी समातों पे हुक्मरानी की है, हमारे दिलों पे हुक्मरानी की है, और उनके नगमे, उनके सुर, उनकी रागनियां, उनके रंग और उनकी शख्सियत का जो रंग था वो नाकाबले फरामोश है। और वो हम उनको दिल से प्यार करते हैं, कौन है जो उन्हें नहीं चाहता, उन्हें नहीं प्यार करता। अल्लाह की भी उन पे खास रहमत थी, क्योंकि 27वीं रमज़ान को अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुलाया और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो हम इस पे फख्र करते हैं कि मलका तरन्नुम हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेंगी। आज तक हमारे दिलों पर राज करती हैं, आज तक जो है वो हमारी समातों पे छाई हुई है, समातों पे छाई हुई है, वाकई नहीं निकलती दिल से। बिल्कुल ऐसा हुक्मरान हो जो दिल और दिमाग और समातों पे और छा जाए और इस तरह हुक्मरानी करे जैसे मलका तरन्नुम नूर जहां ने की है। क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके ऊपर मतलब आप उन लकी कुछ अदाकाराओं में से जिन पे उनके गाने पिक्चराइज भी हुए जी, तो वो क्या समा होता था जब गाना आता था, आपको पता चलता था अच्छा ये मलका तरन्नुम ने गाया हुआ है और इसके ऊपर जो है एक्टिंग करनी है, तो वो एक जो सेट के ऊपर जो होता होगा ना डिस्कशन, वो थोड़ा सा बताइए कैसे होता था। जब हम वो गाना सुनते थे पिक्चराइजेशन से पहले, तो वो हम अपने दिलो दिमाग में अपनी रूह में उतर जाता था। अच्छा ठीक, तो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, और मलका तरन्नुम की जो मेलोडी है वो जब भी कोई, मैं कहती हूँ पत्थर पे रख दे, इस पौधे पे रख दे, तो वो पौधा बातें करने लगेगा। हम तो जीते जाते इंसान थे, और जो एक्सप्रेशन वो देती थी हम वहां तक वो टैली करने की कोशिश करते थे, कुछ कामयाब हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे। इटसेल्फ उनमें ना एक अपना वॉइस एक्सप्रेशन, और खुद परफॉर्म करती थी वो तो कयामत ही बर्बाद कर देती थी। एक हुस्न और उस पे हुस्न का जादू, उस पे अदाएं और फिर मौसीकी, तो बजाते खुद कहते हैं ना एक जादू है, एक जादू है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो एक मशहूर कुन शख्सियत थी। वाह खूबसूरत। आजकल होता है ना कि सिंगर्स चाहते हैं कि मेरा गाना जो है ये इस पे पिक्चराइज हो जाए, उस पे पिक्चराइज हो जाए, तो तब हमारे अदाकार तो बहुत ज़बरदस्त थे ही, सिंगर्स की तो ख्वाहिश होती थी लेकिन अदाकाराओं की भी ख्वाहिश होती थी कि इनका गाना हम पे पिक्चराइज हो जाए। बिल्कुल, कि वो दोनों तरफ से जो है ना बराबर का जो है वो होता था। तो मेरी आपसे एक खास रिक्वेस्ट है, सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम की, यहाँ पे हम जितने लोग थे हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जो है, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं और वो गाना भी हमारे पास मौजूद है जो बहुत सुपर हिट हुआ, आज तक हम सुनते हैं, और इतना वो मीठा गाना है, और ऐसा नहीं लगता कि आपसे ज्यादा अच्छा, आपसे ज्यादा अच्छा वो किसी पे जचता है ही नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम वो थोड़ा सा गाना प्ले करें, आपको फौरन याद आ जाएगा, थोड़ा सा अगर हम वो गाना प्ले करें तो आप प्लीज़ थोड़ा सा उसके ऊपर परफॉर्म करेंगी जैसे आपने। मैं अब परफॉर्म मैं कैसे करूँ? अच्छा मेरे लिए नहीं, चले मेरे लिए नहीं, मैं सबको बताती हूँ, मेरे लिए नहीं, आज मलका तरन्नुम नूर जहान को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो क्या उनसे मोहब्बत है? बहुत बहुत। तो ये देखिए, मैं तो फिर ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल पे आ जाती हूँ ना, उनसे मोहब्बत है, तो उनके लिए आपकी तरफ से ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट हो जाएगा अगर आप चाहें तो। प्लीज प्लीज, मोहब्बत तो बहुत है, मोहब्बत तो बहुत है ना, तो हम थोड़ा सा खूबसूरत हमारे
उस वक्त के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनकी बात ही कुछ और थी. हर चीज़, हर जो मैं कहूँगी, हर लफ्ज़ और हर सुर उनकी अदाओं में हमें नज़र आ रहा होता था. ये बहुत खूबसूरत बात है. मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगी नसरुल्ला मिशेल अंसारी को. आइए जी, आइए. अच्छा नसरुल्ला, वैसे तो हमें जुम्बा कराते हैं. कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक है यार. वैसे तो हमें ये जुम्बा कराते हैं, लेकिन क्योंकि ये डांस फिटनेस प्रोग्राम है तो आज हमने इन्हें कहा आज हमें आपकी सिर्फ डांस की जरूरत है, बिल्कुल ठीक, फिटनेस की नहीं. ठीक है? हमारे साथ नसरुल्ला पहले भी जो हमने ट्रिब्यूट पेश किया था वहीद मुराद साहब को, उसमें भी थे और बड़ा हमारा सुपरहिट शो गया था. तो आज भी जो इक्वली बिग लेजेंड को ट्रिब्यूट जो है हम वो पेश करने जा रहे हैं यहाँ पे. तो क्या आज आप क्या जो है उसमें जी, इसकी ब्यूटी आपको मैं एक बताऊं. मैंने जुम्बा में जितनी कोरियोग्राफी की है वो नॉर्मली इंटरनेशनल सॉन्ग्स जो होते हैं उन पे की है. अच्छा. लेकिन ये ऐसे लेजेंड्स हैं जो जिनमें वहीद मुराद साहब हो गए या मैडम हो गई, तो इनमें मतलब इनके जैसे ही मैंने वो मुझे पता चला कि जी इनके ऊपर कोरियोग्राफी करनी है, तो यकीन माने कि पुराने से लेके नए ट्रेंड तक जो है ना ये बीट्स हिट कर रही थी, हिट कर रही थी और दिल को छू रही थी. और जिस पे आज खास तौर पे हम करने वाले हैं उसकी अगर मैं आपको खसूसियत बताऊं तो देखें इतने प्यार से वो सहेलियों के दरमियान और वो जो प्यार करने वाली उनकी नोक झोंक है, वो कहती है, वो उसकी सहेलियां कह रही हैं कि इस रास्ते पे ना जाओ, मतलब लुट जाओगी, बर्बाद हो जाओगी. तो वो कहती है कि मैं मुझे तो जाके प्यार के सजदे करने हैं उसको. वो कहते हैं ना इश्क नसीहत का आपस में बैर है, दुश्मनी है. बिल्कुल सही बात है. जहां वहां नसीहत नहीं चलती जहर लगेगी. बिल्कुल सही बात है. उस पे देखें एक जो बीट होती है एक और बात है, लेकिन जो मैंने मैडम की एक आवाज जो है वो उस पे जो लहराने का मूव करने का जो मैं कहता हूँ हर कोई हर किसी को जो है ना थोड़ा बहुत तो वो कंट्रीब्यूट कर ही देते हैं. सही बात है, सही बात है जी. वो हम तो ब्लेस्ड थे कि वो हमारे पास थी और अभी भी मतलब हम उनको ट्रिब्यूट आज अगर पेश कर रहे हैं इस काबिल हैं तो सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है. क्या बात है जी, क्या बात है. तो आप प्लीज इनका साथ देंगी? इनको मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहूंगी. आज ही आप लोग थोड़ा आगे जी, बिल्कुल मैं निशा जी के साथ यहाँ पर हम जो है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं हम कोशिश करते हैं सारे ये साड़ी में नहीं नहीं इस आप यकीन माने कि आप बिल्कुल इतना एंजॉय करेंगी इसमें. वो जब से मुझे पता चला ना कि मैडम भी आ रही हैं तो आप यकीन माने कि मैंने स्पेशली ऐसी कोरियोग्राफी की. मैं स्पेशली देखूंगी. आप कर रहे हो? आप आए तो सही, आप आए आप ज्यादा मजा आएगा. नहीं 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 थोड़ा सा नहीं मैं आती हूं. आप टेंशन ना लीजिए जी जी. अच्छा वो चांदरिया वाला तो आपको पता है ना, यहाँ से 1 and 2 and 3 साड़ी में कैसे होगी चांदरिया? ठीक है लेकिन नहीं आप एंजॉय करेंगे और बाकी आपको पता है कि पंजाबी म्यूजिक का एक अपना एक मजा है. तो यहाँ से आपने थोड़ा से 1 and 2 and 3 and 4 ये को मुश्किल है मैडम, देखें कितना आसान. आप देखें ये देखें 1 and 2 and 2. अच्छा अंदर अंदर से दिल कर रहा है उनका, दिल कर रहा है अंदर अंदर से. तो क्या करेंगे बाकी जो है वो म्यूजिक पे करते हैं क्योंकि इसमें सारे. अच्छा मैं क्रेडिट दूंगी नसरुल्ला को कि आप उन्हें कोई भी गाना दे दें वो उस पर डांस जरूर बना लेंगे. लेकिन मेरे जहन में पता है गाना कैसा आ रहा था, वो जो हीरोइन नहीं होती कभी एक दीवार के साथ झंझरिया पहना दो बिंदिया भी चमका दो, मुझे कहीं से भी उस पर डांस करती हुई हीरोइन नहीं नजर आ रही. आजकल का रीमिक्स होता है ना, उस जमाने में मुझे लगता है वो दीवारों के साथ पीछे वो सखियां आपको मना रही होती है. बिल्कुल ऐसे. और वो हीरोइन मैं कहूंगी कि जब तक रीमिक्स ना हो गाना खराब नहीं होता. वैसे ही ओरिजिनल था, आपने तो सुना हुआ है ओरिजिनल था सॉन्ग. नहीं नहीं बताया कि मैं कह रही थी ना कि इसको रीमिक्स करेंगे. सही बात है. इसका हम बना अगर बनाएंगे ना मेरा ख्याल खराब होगा क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है ना ओरिजिनल की वो रीमिक्स के साथ नहीं आएगी. अगर आपने गाना खराब करना है तो सही बात है. इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं. आज सुना नहीं आज के मैं हूं बैठा हूं ना ये तो ये इंग्लिश वर्जन है. और बीच में वो भी अंग्रेजी भी सही नहीं होती, उर्दू भी सही नहीं होती, पंजाबी भी सही नहीं होती. हर चीज जो है ना वो आपकी खराब हुई. सही बात है. इसमें लेकिन बीट इतनी बीट होती है कि आपको और कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, ऐसे ही होता है. और उसके ऊपर जो है डांस हो रहे होते हैं और क्या ही बात होती है. थैंक यू सो मच नसरुल्ला जी. क्या कहना चाह रहे थे आप? लेकिन क्या मैं ये कह रहा था कि असल में जो रिदम हमारे जितने भी मोस्टली जो लेजेंड
हैं उनके जो आवाज में जो रिदम है ना वो नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। और यकीन माने अभी भी हमारे यहाँ बहुत ऐसा टैलेंट है, जैसे मैडम है इस तरह हमारे यहाँ बहुत ऐसा टैलेंट है, हमें पहले ही कदर करनी चाहिए अपने टैलेंट की। अगर आप नेबर कंट्रीज में देखें तो कितना वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं लाल आके लाल आके। क्योंकि ये बहुत बड़ा सरमाया है हमारे मुल्क का। और ये देखें जैसे आज हम वो गुजर चुके हैं लेकिन आज हम उनको याद कर रहे हैं नई जनरेशन के तौर पे, इसी तरह मतलब हमारे जो दूसरा टैलेंट है हमारी आने वाली नस्लें याद करेंगी, ये हमारे कल्चर से जुड़ा हमारे कल्चर जुड़े इसको जो है ब्यूटी है। बिल्कुल, इसको रिवाइव करें अच्छे तरीके से करें। और एक और चीज मैं लास्ट एक जो कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं बिकॉज आई स्पीक फ्रेंच एज वेल, तो मतलब लोग कहते हैं कि जी वो जो फ्रेंच जुबान है वो लव की जुबान गिनी जाती है। अब यकीन माने पंजाबी जो है, पंजाबी अगर आप उसको समझे सही तरह से वैसे दिल को टच करती, मैं कहता हूँ उससे बड़ी लव की जुबान है कोई। बिल्कुल सही, आप एग्री होंगे इससे। लेकिन लेकिन हमें जाहिर है वो उस चीज को सुनने का मौका ही कम मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अपनी जुबान, अपनी सकाफत, अपनी आवाज और अपनी मैडम नूर जहां, उनको हम यहाँ पर ट्रिब्यूट जो है वो पेश करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच रसूल फॉर बीइंग विद अस। छोटी सी ब्रेक के टाइम में ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। बात है जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत निभाया आपने। और इसके लिरिक्स इतने प्यारे हैं कि फौरन जिनसे आप मोहब्बत करते हैं ना उनका दिमाग में नाम आ जाता है। सो मेरी बिल्ली का नाम आ रहा है फौरन से आप सोचते हैं। तस्लीम फाजी साहब ने लिखे थे, बहुत बहुत खूबसूरत इसके लिरिक्स हैं कि आप तेरे कदमों में बिखर के बिल्कुल मर मिट जाने वाली मोहब्बत। बिल्कुल है ना। अच्छा, मोहब्बत भी जमाने के साथ बदल गई, खूबसूरत शायरी नहीं मटेरियलिस्टिक हो गई है। मटेरियलिस्टिक हो गई है ना। अब ज्यादा जो है गाड़ी बंगला ये चीजें देख रहे हैं ना, ये चीजें सब हो मौजूद, इंसान कंफर्टेबल हो, फारिग हो, कहे चलो अब मोहब्बत कर ले कहीं। अब मोहब्बत देखिए जरा। और पहले आप सब कुछ लुटा देते थे मोहब्बत पे, वही तो मोहब्बत होती थी। अपनी जात को सेल्फ निगेशन, दैट इज लव। कि आप मोहब्बत में अपने आप को मिटा डालें, भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं। बिल्कुल। फिर तो है ना कि बाबा बुल्ले शाह नचिया मेरी जात ना कटदी, मैं नच के यार मनावन दे। ठीक है ना, इस किस्म के इंसान अपने आप को भूलता है। और फिर वो मोहब्बत जब एक मिराज पे पहुंचती है तो फिर वो मोहब्बत अल्लाह मियां से हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, इश्क हकीकी की तो कोई, इश्क हकीकी में तब्दील हो जाती है। इश्क में मजाजी जो है इश्क हकीकी में तब्दील और वही असली इश्क है। और वही इश्क है, इंसान को अल्लाह की तरफ लौटना है और वो मोहब्बत ले जाती है। अच्छा, आप लिखते भी बहुत अच्छा है जी, तो ये कैसे, ये शौक किस तरह हुआ, मतलब सुन के या किसी से कोई इंस्पिरेशन थी या बस ये नेचुरल टैलेंट था कि खुद ब खुद इतने खूबसूरत अल्फाज में आप जो है जो भी बात करती हैं, आप तारीफ भी करती हैं, तो इतना अच्छा चुनाव है अल्फाज। थैंक यू। तो ये कैसे, ये किधर से आई बात? बस इंसान जैसे कहते हैं ना, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो अपने किरदार की खूबसूरती, अल्लाह से लगाओ की खूबसूरती, दुनियावी कामों में भी खूबसूरती, घर सजाना, साफ करना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपनी गुफ्तार को खूबसूरत बनाना, अपने अपने अमाल को, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, जितना हो सके आप मोहब्बत और खूबसूरती की तरफ जाए, आपके जहन में कोई नेगेटिविटी आएगी नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगी। कितनी अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है ना। Exactly, खुद पॉजिटिव होंगे तो आपकी तरफ पॉजिटिव चीजें ही आएंगी। कितनी प्यारी, आपसे हम कुछ ना कुछ जरूर सुनेंगे प्लीज। मुझे बातें ही करनी आती है। मैं आपसे आपकी शायरी कुछ ना कुछ शायरी सुना दूंगी, जरूर सुनेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो है ये जो बिल्कुल खामोश हमारा एक बाशिंदा है ना यहाँ पे, इतना खामोश क्यों है, क्या हुआ है? मैं इतनी प्यारी तो मैं खो गई हूँ कुछ उनकी बातों के अंदर ही है ना, मैं गुमसुम होके बैठी हुई हूँ कि मैडम इतनी अच्छे अल्फाजों का चुनाव और इतनी अच्छी पोइट्री शोइट्री करती हैं, तो आज बल्कि सुनेंगे मैडम जरूर जरूर। तो आप क्या हमें सुनाने वाली हैं? वाह,
ये हमारे सिंगर्स को क्या मतलब खास आदत है मुश्किल गाने चुनने की? इतना मुश्किल गाना बहुत अच्छा आपने निभाया जी, बिल्कुल बहुत अच्छा, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग. मुश्किल गाना बहुत ज्यादा मुश्किल, आसानी से गाया, आसानी से गाया. एग्जैक्टली. आई वांट टू ऐड वन थिंग कि मैडम का आप सिंपल सॉन्ग भी उठा के देख लो, उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर टेक्निकलिटी होगी. मुश्किल होता है. बहुत खूब जी, बहुत खूब आपने गाया. प्लीज आप तशरीफ रखिए. अच्छा निशो जी, आपकी शायरी सुनना चाहते हैं जी. बिस्मिल्लाह. तो क्या सुनाएंगे? ये लखनऊ में सार कॉन्फ्रेंस थी, लिटरेरी फेस्टिवल था, तो वहाँ पे ये अपनी गजल. दिल को कई बार है समझाया उसे याद ना कर, दिल को कई बार है समझाया उसे याद ना कर, हुसूल आरजू में जीस्त को बर्बाद ना कर, छुपा ले जब्त के आने सिसकती आहें, तू उसे उसके लिए भूल जा फरियाद ना कर. कैदी नहीं मकी हूँ अब इस चमन की मैं, कैदी नहीं मकी हूँ अब इस चमन की मैं, तोड़ के घर ये मेरा जुल्म तू से याद ना कर. दिल को कई बार समझाया उसे याद ना कर. नाकाम मोहब्बत और इतना दर्द. क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत. थैंक यू. इसके पीछे कोई स्टोरी है? स्टोरी तो जिंदगी में इतनी, आप देखें, अब जरा आप मुझे देखें कितनी स्टोरी है. लेकिन ये इतना दर्द, ये इतना दर्द, ये जो कहते हैं ना जो सबसे अच्छे शायर, ये शायर और सिंगर, ये नहीं कि लव से रिलेटेड स्टोरी हो, जिंदगी में जिंदगी के हर रंग है, मुख्तलिफ अंदाज है, तो कोई ना रिलेटेड होती ही है. बिल्कुल. लेकिन वाह क्या बात, एक दफा फिर बहुत 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 अच्छा जो है इसमें. अच्छा हम उस वक्त से गाने सुन रहे हैं और यहाँ पर मैं अभी कामरान से बात कर रही थी, मैं कहती थी कि सारे अपने ज़माने के बहुत अच्छे और बहुत सुपरहिट गाने, हमने शायद उन सुपर हिट में से भी सुपर हिट गाने सुने हैं जो बिल्कुल वो टॉप पे जिन्हें रीमिक्स कर लिया गया है, जो बहुत सुने. तो उनमें से एक गाना जिसकी पिक्चराइजेशन के अंदर भी एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, सुन रे बिलोरी अखवालिया, ये किस पर पिक्चराइज किया गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ये इसमें रंगीला है ना, ये वही वाला गाना नहीं है? नहीं नहीं, वो था सब तो सोनिया. सब तो सोनिया, वो था सब तो सोनिया. मैडम का नहीं, वो मैडम का नहीं. उसके अंदर भी मुझे वो स्टोरी जो मुझे याद थी ना उससे, कि मतलब वो बिल्कुल एक अलग से उनका वो था और उसके लिए वो गाना गा रही है सारा कुछ. खूबसूरती की चीज है, खूबसूरत बदसूरती का वो एक वो था और उसके ऊपर उन्होंने गाना गाया गया. तो वो उस वजह से, मतलब इस तरह की वजह होती है जिनसे कोई गाना बहुत सुपर हिट हो जाता है या याद रह जाता है. तो ये एक जो बहुत खूबसूरत गाना है सुन में ये मैडम का न्यू जो स्टाइल था ना मौसीकी, एकदम से वो पुराने स्टाइल से चेंज हुई थी. वो एक मॉडर्न, उसके अंदर जो तेज बीट आई थी, इतना रीमिक्स कर चुके हैं हम, इतने दफा गा चुके हैं, टोटे टोटे कर दिए, टोटे टोटे. तो आज हम ये गाना, एक बहुत ही सुपरहिट गाना जो है, निर्मल हमें सुनाने जा रही है. इसमें बैठा नहीं मॉर्निंग, हम यहाँ पर हर चीज़ की बात कर रहे हैं. तो मैम नूरजहाँ गाती बहुत अच्छा थी, एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, फर्स्ट फीमेल फिल्म डायरेक्टर थी. इसके अलावा उनकी जो फैशन सेंस थी, जो उनकी खूबसूरत साड़ियाँ थी, जो उनके हेयर स्टाइल्स थे, उनका मेकअप और उनके बाल, हर चीज़ इतनी खूबसूरत और डिफरेंट थी उस ज़माने के लिहाज से भी. शी वॉज़ वेरी अप टू डेट. निम्रा कुछ उसका जो है वो फैशन में ट्रांसलेट हुआ है, वो जो उस ज़माने का जो भी फैशन? बिल्कुल. और लोगों ने जिस तरीके से नूर जहाँ मैम के फैशन को फॉलो किया, मैं कहती हूँ अभी तक लोग कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन थी हमारे लिए. जिस तरह से साड़ी के, क्योंकि फॉल्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सम टाइम फैब्रिक बहुत डिफिकल्ट होता है, कैरी करना बहुत मुश्किल, और उन्होंने सिल्क साड़ीज जो सबसे मुश्किल होती है, सबसे मुश्किल, बिल्कुल. और उसमें आप किस तरह कंफर्टेबली खड़े होकर परफॉर्म करते हैं, आई थिंक वो आजकल के आर्टिस्ट वही चीज फॉलो कर रहे हैं. उनका हेड टू टो हेयर डू के साथ मेकअप और द वे शी वॉज ग्रेसफुल ऑन द सेट, तो बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं और आई थिंक उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है एक ट्रेडिशनल साड़ी लुक को कैरी करने के लिए. बिल्कुल. और चाहे साड़ी काम वाली हो, भरी हो या बनारसी की हो, हैवी हो, जिस तरीके से उन्होंने स्माइल के साथ हमेशा कैरी किया है, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन. अच्छा, और ज्वेलरी उनकी हमेशा मिनिमल होती थी. बिल्कुल. है ना, टॉप्स उनके वो अच्छे से, एक लाइनर उनका वो खूबसूरत आंखों के नीचे वाला जो लाइनर है ना, वो बड़ा खूबसूरत, और एक स्पेशल नेक बैंड होता था. नेक बैंड, मैं तो कहती हूं वो जिन लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं ना, वो जो भी फैशन करते
वो हर कोई फॉलो करना शुरू करता था, उनको वो नेक बैंड भी बड़ा स्टाइलिश साड़ी के साथ मैचिंग, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का एक सिग्नेचर था वो नेक बैंड, जिस तरीके से लोगों ने उसी को नेक बैंड को फॉलो किया डिफरेंट एम्बेलिशमेंट्स के साथ, तो वो बहुत ही क्लासिक लुक थी उनकी, क्लासिक लुक थी उनकी, बाल भी उनके बड़े मजे के जो है ना वो खूबसूरत बने रहते थे। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई उनसे, हुई होगी यकीनन, अक्सर होती थी, जाहिर है हम फैन थे और वो उनको देखते ही रहते थे। अच्छा। और उनको देखने में भी उतना ही मजा आता था जितना सुनने में। अच्छा, मैंने सुना उनकी बड़ी वाइब्रेंट सी पर्सनालिटी थी, मतलब वो कुछ भी कह देती थी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो भी देंगी उसी वक्त, वो प्यार भी बहुत करती थी, लविंग, बहुत लविंग, बिल्कुल। हमारे पास एक सिंगर आए थे, बिल्कुल मेरे जहन से नाम निकल गया, वो मुझे बता रहे थे कि मेरा ऑडिशन हो रहा था, तो उन्होंने ना कहते मैं उनके सामने गाते गाते बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया कि मुझसे ना बिल्कुल गाया नहीं जा रहा, कहते तो उन्होंने मुझे रोका, मैंने कहा पहले आप सामने कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद माइक के सामने आना, कहते क्योंकि इतना बड़ा लेजेंड आपके सामने और वो गा रहे और उनके साथ मुझे गाना पड़ रहा है, तो मतलब शी वॉज वेरी वेरी नाइस, लेकिन वो बहुत मतलब बिल्कुल सामने जो दिल में होता था कह भी देती थी, ये मैंने सुना है उनकी बड़े मज़े की ये पर्सनैलिटी थी, तो वो करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सारे जो है वो एक खुसर पुसर कर रहे हैं, मुझसे एक फरमाइश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पहले जब निशो जी ने यहाँ पे परफॉर्म किया तो हम सब यहाँ नहीं थे, बस हमने मिस कर दी, मैं फारिग हो गई, और हमने मिस कर दी, तो हम तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी अदाएं देखे बगैर जाए, तो जो जो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो सब आ जाओ इन्हें उठाने के लिए, जिसने उठा लिया, वो उदास हो चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो जोशीला हो, चाहे वो जैसा भी गाना हो, क्या खूबसूरती से उन्होंने निभाया है। मैडम वाइंड अप हम कर रहे हैं, तो आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें मैडम के लिए, नहीं अब मैं मैडम कुछ भी नहीं, चला दे चला दे, हम लोग खुद परफॉर्म करते हैं मैडम के साथ। थैंक यू सो मच आप यहाँ तशरीफ लेकर आएं, थैंक यू स्पेशली आपका, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी के आप यहाँ पर तशरीफ। मैडम के लिए मैं एक शेर कहूँगी, इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज, रग रग मिलती हुई खुशबू तेरी आवाज, बहते चले जाते हैं तहे आप सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबे जू तेरी आवाज। वाह 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 वाह, क्या बात है, इससे बेहतरीन एंड इससे बेहतरीन रैप अप जो है नहीं हो सकता। मैं सब आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, एक दफा तालियां मेरे म्यूजिशियंस के लिए हो जाए, क्या जबरदस्त साथ दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आज मैडम नूर जहां को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आज का ये शो हम प्यारी सी मेहर की आवाज़ से जो है वो रैप अप करेंगे, सब आगे आ जाइए, आज है महफिल दीद के काबिल, और वाकई में आज की महफिल दीद के काबिल ही है, और इसी सॉन्ग से मैं वाइंड अप करना चाहूंगी।